आप जो रहा जी 24 कलाक हूँ छू अपनी साथे वत्सल समाचार गुजरात की शुरुआत करिए जो ये दिवस भर ना तमाम महत्वपूर्ण समाचार। गुजरात में आवतीकाल थी 5 दिवस हीटवेव की आगाही करवामां आवी छे। आगामी 5 दिवस राज्य में सूको वातावरण रहेशे। मतदान दिवसे लोकोए आकरी गरमी सहन करवी पड़शे। अमदावाद में मतदान दिवसे 42 डिग्री જ્યારે ગાંધીનગરમાં પણ 42 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે। 6 અને 7 મેના રોજ પોરબંદર ભાવનગરમાં હીટવેવ રહેશે। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ દીવના કોસ્ટલ એરિયામાં પણ હીટવેવની આગાહી કરાઈ છે। સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે। येलो अलर्ट है जिस कोस्टल एरियाज में जो भी हीट वेव जिन डिस्ट्रिक्ट्स में दिया गया है, जैसे दीव, भावनगर, पोरबंदर, सूरत और सभी कोस्टल बेल्ट जो है गुजरात और तथा सौराष्ट्र कच्छ की, उसमें जो है हॉट एंड ह्यूमिड एज वेल एज जो कि येलो वार्निंग जो है अगले 5 दिनों के लिए दी गई है। 5 दिनों की बात करें तो गुजरात में मौसम मुख्य तौर पर ड्राई बना रहेगा अगले 5 दिनों तक। अभी तापमान अपने आने वाले 5 दिनों में नो लार्ज चेंज में देखने को मिलेगा, जिसमें नॉर्थ गुजरात के जो है कुछ हिस्सों में जो है तापमान जो है 2 से 3 डिग्री जो है बढ़त के साथ देखने को मिलेगा। साथ ही जो है अदर हिस्सों में जो है तापमान एज इट इज जो है अगले 5 दिनों में देखने को मिलेगा, जिसमें दीव की बात करते हैं उसमें जो है हीट वेव वार्निंग हम जारी कर रहे हैं। साथ ही साथ सूरत में जो है साउथ गुजरात के जो है सूरत में भी जो है चांसेस हीट वेव के देखने को मिल रहे हैं, उसमें भी डे 1 के लिए जो है हीट वेव वार्निंग दी गई है। डे 2 ऑनवर्ड्स उसमें दीव जो है अगले 5 दिनों तक हीट वेव में रहने की संभावना है। साथ ही साथ पोरबंदर और भावनगर में डे 2 एंड डे 3 में जो है हीट वेव के चांसेस देखने को बन रहे हैं। उसके बाद जो है तापमान में कुछ जगहों पर जो है 2-3 डिग्री गिरावट देखने को मिल सकती है।